हाल ही में 12वीं की एक छात्रा के साथ विद्यालय के प्राचार्य द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। मामले में नाराजगी जताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। पूरक परीक्षा देने पहुंची 12वीं की छात्रा के साथ खातेगांव शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राचार्य के खिलाफ धारा 354 में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बुधवार प्राचार्य को जमानत मिल गई, जिस पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से कई संस्थानों ने शिक्षा के मंदिर में घटी इस घटना की निंदा की है और प्राचार्य पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं गुरुवार को पीड़िता के पक्ष में एबीपी संगठन भी मैदान में आ गया है। एबीपी के प्रतिनिधि मंडल ने खातेगांव एसडीएम प्रिया चंद्रावत को ज्ञापन दिया और प्राचार्य पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्कृष्ट महाविद्यालय में जो घटना घटित हुई है, जिसमें प्रिंसिपल सर द्वारा एक छात्रा के साथ गलत व्यवहार किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस विषय में विद्यार्थी परिषद ने आज एपीएम मैडम को ज्ञापन सौंपा है और उसमें अगर 3 दिन के उपरांत अगर प्रशासन की ओर से अगर कोई उनके कठोर निर्णय नहीं लिया जाता है प्रिंसिपल सर के द्वारा, तो विद्यार्थी परिषद 3 दिन के उपरांत उग्र आंदोलन करेगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और शासन प्रशासन सबकी रहेगी। बालिका जो थी वो अभी नाबालिग है, 12th क्लास में पढ़ती है, पन यहाँ पर जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें पुलिस प्रशासन ने 12वीं की 10वीं की मार्कशीट को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। उसमें बालिका की उम्र 18 साल से ऊपर बताई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें बालिका 17 साल 6 महीने की है, मतलब नाबालिग है। उसमें धाराएं बढ़नी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी विगत दिनों पहले शासकीय विद्यालय खातेगांव में एक प्राचार्य के द्वारा एक छात्रा के साथ एक निंदनीय हरकत को अंजाम दिया गया, जिससे छात्र और शिक्षक के पवित्र रिश्ते पर एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा है, जिससे पूरे क्षेत्र में विद्यार्थियों के साथ में भय बना हुआ है। शिक्षक का कार्य होता है समाज को सही दिशा में ले जाना, लेकिन वही शिक्षक कभी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है तो समाज सही दिशा में कैसे जाएगा। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उनको प्राचार्य की जो जवाबदारी दी गई है महाविद्यालय, मेरे हिसाब से वो एक शिक्षक होने के योग्य भी नहीं है जिस प्रकार से उनने हरकत की है। उन्हें पूर्णतः रूप से उस छात्रा को न्याय दिया जाए। उनको न्याय दिलाने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े, जहाँ तक संघर्ष करना पड़े हम करेंगे, उनको न्याय दिला के रहेंगे। आज हमने एसडीएम मैडम को इस विषय में ज्ञापन दिया है। यदि तीन दिनों के अंतराल में हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम रोड पर संघर्ष करेंगे, लेकिन ऐसे शिक्षकों का शिक्षक जगत में रहने का कोई फायदा नहीं है। हम इस मुद्दे पे पहुंचे हैं यहाँ पे कि उत्कृष्ट स्कूल में अभी जो बालिका एग्जाम देने आई थी उस पर टीचर ने, प्राचार्य ने गलत करने का कोशिश किया उनको, तो हम बड़ी मुश्किल से तो घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, हमें पढ़ने के लिए भेजा जाता है और हमारे गुरु जो हमको ज्ञान देने की जगह और हम पर गलत करते हैं, तो वो ये गलत बात है और हमें इस पर कार्रवाई करवानी है। जी हाँ, वो नाबालिग है। हम उसके लिए ये मांग कर रहे हैं कि ये धारा बढ़ाई जाए और उस बालिका को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसा थोड़ी हो सकता है। बात निकलते हैं कि हमें पढ़ा है लिखा है, पर ये तो कुछ है ही नहीं, सर की गलती है ना पूरी। अगर स्टूडेंट की गलती होती तो मानी बात। मामला जो है, छात्रा जो है पूरक परीक्षा देने आई थी और पूरक परीक्षा के बाद उसकी उसका बैग वगैरह यहीं कहीं कक्ष में रखवाया गया था। उसके वजह से यहाँ पर उपस्थित जो प्राचार्य, उनका पत्राचार के माध्यम से पता चला कि उन्होंने बच्ची के साथ कुछ हरकत करी जो बहुत निंदनीय है। और मैंने जो है जो कुछ भी कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय द्वारा, मेरे द्वारा और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा करके भेजना थी, मैंने माननीय कमिश्नर महोदय उज्जैन को भेज दी है और अंतिम निर्णय वहीं से होना है। जो भी कार्रवाई उनके विरुद्ध होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जो है हमारा विभाग, शिक्षा विभाग कलंकित होता है ऐसे लोगों के माध्यम से, जो कि बिल्कुल कतई जो है बर्दाश्त या क्षमा योग्य नहीं है। दिनांक 9/6/2024 को थाना खातेगांव में एक छात्रा अपनी मां के साथ थाने पर आके रिपोर्ट दर्ज कराती है, जिसमें छात्रा के द्वारा शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य के विरुद्ध छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। उक्त सूचना के आधार पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया 354 के तहत एवं उसमें विवेचना जारी है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।